नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। प्रदेश की विधानसभा में सबसे बड़ी बहस होती है, मुद्दे भी उठाए जाते हैं, लेकिन इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा प्रश्नकाल और उसकी नई व्यवस्था को लेकर है, जो विपक्षी दल बीजेपी को रास नहीं आ रहा है। आज के बिग बुलेटिन में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में इस बार स्पीकर ने एक नई व्यवस्था की है, जिसके मुताबिक प्रश्नकाल में किसी भी तारांकित सवाल पर पूरक प्रश्न सिर्फ वही विधायक पूछ सकता है जिसने मूल प्रश्न लगाया है। अब स्पीकर की नई व्यवस्था से विधायक परेशान हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। बिग बुलेटिन में चर्चा इस मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने लगातार दूसरे दिन भी प्रश्नकाल का बायकॉट किया और वे विधानसभा में मौजूद रहने के बाद भी सदन में नहीं गए। स्पीकर डॉ. सीपी जोशी प्रश्नकाल में बीजेपी विधायकों के प्रश्न वार एक एक कर नाम पुकारते रहे। सदन से बाहर रहकर बीजेपी विधायकों ने अपना सांकेतिक विरोध जताया। सुबह 11 बजे से शुरू हुआ प्रश्नकाल सिर्फ आधे घंटे चलने के बाद स्थगित करना पड़ा। इस पर बीजेपी सदन के बाहर भी सवाल उठा और इसके लिए नई व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही कहा कि जब तक समाधान नहीं निकलता तब तक ऐसे ही अनुपस्थित रहने की बात कही है। यहाँ अध्यक्ष महोदय जी ने इतनी कठोरता कर दी कि कोई भी पूछ ही नहीं सकता है। केवल और केवल प्रतिपक्ष का नेता पूछना चाहे जो एक क्वेश्चन पूछ जाए, तो ये क्वेश्चन पूछने का जो अभिप्राय है और जो डिपार्टमेंट में जो जवाब नहीं है, और इसके कारण से भी हमने कहा भी दो ही पूछ सकता है तो उसी को प्रश्न पूछे और उसी जो जवाब दे, इसलिए बायकॉट कर रहा है। विधानसभा में आज पहली बार, इतिहास में पहली बार शांति से चलती विधानसभा में प्रश्नकाल समय से पहले समाप्त हुआ है। हम कोशिश में प्रयास में है कि अध्यक्ष जी जो पूरी विधानसभा के सदर है वो बात करें, इसका सर्वमान्य हल निकले, हमारा प्रयास है। राजस्थान में जो हमारी पुरानी परंपराएं रही हैं, अच्छे तरीके से पक्ष विपक्ष ठीक तरीके से चले और सदन सुचारू रूप से चले, प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति को पूरे तरीके से, क्योंकि मैंने ये देखा है कि सरकार बचना चाहती है और कई बार ऐसा लगता है कि आसन उनको बचाना चाहता है, इसलिए गतिरोध इसी बात पे है कि पक्ष और विपक्ष को समय पूरा दिया जाए, प्रश्न पूछने की ठीक तरीके से अनुमति दी जाए। दूसरी ओर विपक्ष का ये विरोध सत्ता पक्ष को रास नहीं आ रहा है। सरकार का कहना है कि विधानसभा में अध्यक्ष की व्यवस्था सर्वोपरि होती है और इसे सभी को मानना होता है। प्रश्नकाल के दौरान सदन से बाहर रहकर विपक्ष अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा। जनता ने जिन उम्मीदों के साथ विपक्ष को भेजा था, ऐसे तो वे भी पूरी नहीं हो पाएंगी। रात जाने का मतलब ये नहीं कि आप सदन में चाहे जैसे सदन को चलाने की कोशिश करें। कांग्रेस पार्टी हर सवाल का जवाब देने के लिए हर मंत्री तैयार है, कांग्रेस पार्टी के नेता तैयार हैं और राजस्थान की जनता के साथ हम खड़े हैं। आज इनके पास मुद्दे नहीं है और ये सदन को फेस करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए बीजेपी नाटक कर रही है। जब नेता प्रतिपक्ष जी ने पूछा है, अध्यक्ष जी ने उनको सम्मान दिया है, उनको अधिकार दिया है, लेकिन ये माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात नहीं है, माननीय नेता उपनेता प्रतिपक्ष की बात है कि उनको जो कोई चीज को वखरी है और उन्होंने अपना प्रतिष्ठा बना लिया कि मेरी जो है मेरे को सम्मान नहीं मिला और वो बात को लेकर उन्होंने सदस्यों को बाहर लिया है, नेता प्रतिपक्ष का मामला नहीं है। इस बार देखने को मिल रहा है जो माननीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसी के साथ उनका ना प्यार है ना दुराव है, किसी तरह का नहीं है। वो जो नियम है, प्रक्रिया है, परंपरा है सदन की, जो नियमों में है उसके अनुसार सदन को चलाना चाहते हैं, लेकिन जो विपक्ष के हमारे जो लोग हैं वो अपनी दादागिरी करना चाहते हैं और कुछ लोग उसमें अग्रस बन करके जो उनकी भड़ास है, मन की भड़ास है, उसको सदन के माध्यम से निकालना चाहते हैं। विधानसभा जनता के पैसे से ही चलती है, सदन की कार्यवाही बाधित होने से नुकसान जनता का ही होता है। मौजूदा समय में उपजा गतिरोध बातचीत के जरिए सुलझा लेने चाहिए ताकि जनता के पैसे की बर्बादी ना हो और उनके लिए काम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।
तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान शामिल हैं, हम आपका तारुफ कराते हैं। बीजेपी नेता अशोक सिंह शेखावत हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। वरिष्ठ पत्रकार अशोक भटनागर जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। विश्लेषक उपेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं और राजनीतिक विश्लेषक मानचंद खंडेला जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले मैं आती हूं अशोक सिंह शेखावत जी के पास। अशोक जी, क्यों इस तरह से विरोध किया जा रहा है? आखिर क्यों नहीं प्रश्नकाल चलने दिया गया ठीक तरह से? देखो अंजलि जी, जिस प्रकार से आप सेकंड जो 15वीं विधानसभा का जो सत्र चल रहा है उस सत्र में शुरू से ही नहीं है, आज शुरू से आप देखेंगे किस प्रकार से विवादास्पद रहा और हर चीज बात को किस प्रकार से जो आसन पर जो बैठे हैं वो किस प्रकार से उसको चलाना चाहते हैं। मानते नियम से आप चलाइए लेकिन कोई परंपरा बनी नहीं, उस परंपरा का भी आप निर्धारण करना चाहिए। हमने तो इतना सा कहा कि यदि आपका कोई क्वेश्चन तांत्रिक क्वेश्चन लगा हुआ प्रश्न काल के अंदर लगा हुआ जो एक घंटे की है आपका समय, उस प्रश्न के अंदर यदि हम पूरक प्रश्न पूछ ले कोई दूसरा विधायक जो परंपरा चली आ रही है उन्होंने कहा कि नहीं वही विधायक पूछेगा दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, तो क्या इस सरकार को बचाने का काम कर रहे हो आप? मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है और उसका उत्तर आएगा यदि पूरक प्रश्न जो पूछ लिया जाएगा ये विधानसभा का क्षेत्र का जिसमें विधायक ने जो क्वेश्चन पूछा है उसके एड्रेस वाला दूसरा विधायक है वो कोई पूरा क्वेश्चन उसी विभाग से उसी जो 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 कोई भी जो क्वेश्चन लगाया है उससे संबंधित होगा उसका उसका उत्तर आ जाएगा उससे क्या है। लेकिन सुनेगा अशोक जी, अगर नई व्यवस्था की गई है मूल प्रश्न ही पूछे जाएंगे यानी कि मूल सवाल ही जो पूरक प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे तो इसमें समस्या आखिर क्या आन पड़ी है? जो प्रश्न काल होता ही इसलिए है, बाकी तो शून्य काल है। शून्य काल के अंदर आपकी जो व्यवस्था चल रही है संतुष्ट चलेगी, उसमें अतार्किक क्वेश्चन भी आएंगे, तार्किक क्वेश्चन भी आएंगे, 295 के जो नियम है उसकी कार्रवाई भी वो भी सारे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो आपका प्रश्न काल के अंदर का जो क्वेश्चन है जो हम पूरक प्रश्न पूछने का जो हमारा एक विधायकों का एक राइट होता है, उस राइट पर कटल कर रहे हो आप, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो और सरकार को एक बचाने की कोशिश होती है। सरकार बचेगी उसके अंदर, उन्होंने एक अपना एक रिटर्न के अंदर या ओरल मौखिक रूप से जो क्वेश्चन किया है उसका वो आंसर देते हैं, उसके साथ साथ दूसरा एक विधायक पूछ लेगा तो उसमें क्या ऐतराज है? आप देखिए कल देखिए, आप परसों देख लीजिए क्या विधानसभा के अंदर प्रश्न काल के अंदर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही विधायक वहां है और बाकी के विधायक सब बाहर जा रहे हैं क्योंकि वो यदि उनकी नहीं सुनना नहीं चाहते प्रश्न काल के अंदर आप क्वेश्चन व्यवस्था ही करना चाहते हैं। मैं आपकी सारी बात मान रही हूं लेकिन लगातार हम देख रहे हैं विधानसभा सत्र का जिस तरीके से बहिष्कार हो रहा है, के बाद एक लगातार हम देख रहे हैं हंगामा हो रहा है, विरोध जारी है, तो ये क्यों आखिर हो रहा है? जनता का पैसा लगता है, उन्हीं पैसों से विधानसभा सत्र आयोजित होता है, क्यों नहीं इन सब बातों को समझा जाता है? क्यों लगातार आप बहिष्कार करते रहते हैं? देखो कि आपके विधानसभा के अंदर यदि विपक्ष कैसा होगा, नियमों से चलने वाला विपक्ष होगा और उस नियम के तहत ही हम चल रहे हैं। एक जनता से जुड़े कोई भी सवाल का जवाब यदि नियमों के तहत नहीं आएगा और परंपराओं के तहत नहीं आएगा तो विधायक का ये राइट बनता है कि जनता जो चुन के आई है और उनके सदन में उनके प्रश्न लगाए, चाहे तांत्रिक रूप से आंतरिक रूप से या आपके और जो जो शून्य काल की में जो व्यवस्था बैठी है उसी प्रकार से वो व्यवस्था के अंदर जो राइट दिया गया उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, उसके प्रोसीजर का विधायक वो फॉलो कर रहे हैं। तो सत्ता पक्ष का यदि उनको लगता है कि इससे हमें बेनिफिट हो रहा है प्रश्न काल के अंदर तो वो तो अपने अशोक जी मेरी बात सुनिएगा, अगर नई व्यवस्था बनाई गई है तो आप उसका भी पालन करिए। अगर आप जवाब देना ही चाहते हैं और जवाब लेना ही चाहते हैं तो हर घड़ी से गुजरिए, हर उस मुश्किल से गुजरिए। अगर ऐसी कोई नई व्यवस्था बना दी गई है तो आप उसका भी पालन करिए। अगर वाकई में आप जनता के लिए खड़े हैं तो वाकई में उनके हित के लिए सोचिए, लेकिन आप यहाँ पर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो हम लगातार देख पा रहे हैं, यहाँ पर अपने बारे में अपने बारे में कोई नहीं सोचता है। देखिए जनता के द्वारा कोई प्रतिनिधि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अगर चौबीस सवाल लगे अशोक जी 24 सवाल लगे थे, 15 सवाल आपकी तरफ से थे लेकिन उनमें से एक भी सवाल आपने नहीं पूछा। अगर एक भी सवाल आप उठाते तो वहां पर हम मान सकते थे कि हाँ आप सोच रहे हैं जनता के हित की बात। देखो सदन के अंदर क्वेश्चन जो प्रश्न काल के अलावा शून्य काल भी आता है, शून्य काल के अंदर हमने सारे प्रश्न लगाए, उसमें जो आपका है जितने उनके उत्तर दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं। समस्या आ रही है कि पूरे क्वेश्चन कब पूछे जाएंगे,
वो एक व्यवस्था की हुई है। अशोक जी मेरी बात सुनेगा, आप एक घंटे मेरी बात सुनेगा, मुझे यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई नजर आती है। मेरा अपना खुद का ये मानना है कि वर्चस्व की लड़ाई है ये। अगर आप इस तरह से बायकॉट कर रहे हैं, लगातार विधानसभा सत्र के दौरान बायकॉट कर रहे हैं, तो वाकई में हम यही मानेंगे कि आप अपने हित को देख रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई है शेखावत जी, वर्चस्व के अलावा कुछ भी नहीं है। अपना विपक्ष जो होगा वो अपना धर्म निभाएगा। यदि हमने सवाल पूछे हैं तो उनके उत्तर भी आने चाहिए, लेकिन जो प्रश्न काल पूछे हैं तो आपके सदन में जो बैठे हैं वो तो तय करेंगे। हम सरकार देखिए, आप सवाल करते हैं और उधर से जवाब नहीं आता। मेरी बात सुनिएगा अशोक जी, जब आप सवाल करते हैं और उधर से जवाब नहीं दिया जाता, उधर से चुप्पी साधी जाती, यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से चुप्पी साधी जाती है आपके सवालों की, तब हम मानते आप जनता के हित के साथ बराबर सदन में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके लिए उसकी बात हो रही है। चलिए, हमसे कोई सत्ता पक्ष से यह से थोड़ी है कि आप उसके हमने जो प्रश्न किए उनके उत्तर आना चाहिए। व्यवस्था तो सुचारू रूप से होना। मानचंद जी, क्वेश्चन जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है उसकी व्यवस्था क्या मानते हैं आप इस व्यवस्था के बारे में? ये नई व्यवस्था अध्यक्ष जी के द्वारा बनाई गई है। देखिए, मैं तो मुद्दे की बात आपके सामने कर रहा हूं, मतलब संवैधानिक रूप से जो विधानसभा का अध्यक्ष है उसका कहना अंतिम है। दूसरा बात, एक लोकतंत्र में कानून से भी ऊपर एक चीज होती है, वो है कन्वेंशन। कन्वेंशन जो बनी हुई होती है उसको तोड़ना उतना आसान नहीं होता है। तीसरी बात मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं, जो कि यहां एप्लीकेबल नहीं है लेकिन रेलेवेंट जरूर है, वो ये है कि लॉ ऑफ ईजमेंट है। उसका मतलब होता है अगर आपने अपने खेत में 2 साल तक लगातार किसी को जाने दिया बैलों की जोड़ी को, तो अब आप अचानक उसको रोक नहीं सकते। और यही ईजमेंट वाली बात का एक असर है अपने आप में कि आज तक ऐसा होता रहा था, कोई भी कभी भी पूरा प्रश्न पूछ सकता था, अब ऐसा क्या होगा कि नहीं पूछ पाएंगे। पांचवी बात मैं आप यहां पर यह कहना चाह रहा हूं, ये जो कुछ है वो ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि जनता के लिए कोई वहां पर काम नहीं कर रहा, केवल अपने को जो है गौरवान्वित करवाने के लिए या विख्यात या कुख्यात बनाने के लिए ये सारे के सारे विधायक काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूं कि मूछों की लड़ाई नहीं लड़के और वास्तव में धरती की लड़ाई लड़ते। और अगर ये प्रश्न पूछे गए वो जनता के पूछे गए ना, जो भी है, और जनता को लाभ देने के लिए पूछे गए, अब ये इनका मामला खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जनता जो समझ रही है कि मेरा जो प्रतिनिधि वहां पर बैठा हुआ है वो मेरे बारे में बात करेगा, वो बात नहीं है। और जो इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह, कहीं ना कहीं पे देखिए सवाल यह रहा कि विपक्ष को इस प्रकार का अधिकार दिया, विपक्ष के नेता को, अगर चाहे तो प्रति प्रश्न आप भी पूछ सकते हैं, पूरा प्रश्न आप भी पूछ सकते हैं। तो सवाल यह रहा कि जो सदस्य है वो ही क्यों पूछना चाह रहे हैं, अगर मामले इस तरह का इम्पोर्टेंट है वो भी पूछ सकते हैं। इसके जो बात की बात है उसमें यह समझिए कि इतने रिजिड विधानसभा अध्यक्ष क्यों हो रहे हैं, ये भी अपना एक प्रश्न है। और इतना रिजिड करवाना नहीं चाहता सत्ता पक्ष, उसके बावजूद भी वो क्यों हो रहे हैं? और वो रिजिड केवल प्रतिपक्ष के लिए नहीं है, पक्षकारों के लिए भी रिजिड हो गया। उन्होंने भी कहा नहीं, आप नहीं, अपना उत्तर नहीं दे सकते आप, जिसमें सरकार की किरकिरी हुई ठीक है अपने आप के मामलों के मामले में, इसके बावजूद ही हुआ। और जो अंतिम रूप से मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा वो ये कि लोकतंत्र में लोग सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, आपकी जो मुझे भी लड़ाई है वो महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसलिए लोग के लिए वास्तव में कोई ना कोई रास्ता। बिल्कुल, इस बात के रामचंद्र जी पूरी तरीके से मैं सहमत हूं आपकी बात से कि दो पहलू नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ वर्चस्व की जो लड़ाई हम देख पा रहे हैं विधानसभा सत्र में, और दूसरी तरफ ये भी जो आपने बात कही है कि इतने रिजिड आखिर क्यों नजर आ रहे हैं अध्यक्ष। आपके पास आती हूं अशोक जी, आपको क्या लगता है दोनों अगर पहलू देखे जाएं कौन सही है और कौन गलत? देखिए, इसका फैसला तो प्रदेश की जनता कर देगी बहुत जल्दी कि गलती किसकी है। विधानसभा को सुचारू रूप से चलाना विधानसभा के सदस्यों का भी उतना ही दायित्व है जितना कि विधानसभा अध्यक्ष का है। अब जहां तक सवाल है जनता से जुड़े प्रश्नों का, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये 15 जो भाजपा के विधायकों ने रखे थे और जो पूछने चाहिए थे, जिससे कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अलावा प्रदेश के जन जन का उसमें कल्याण होता अगर इसके जवाब आ जाते। विधानसभा अध्यक्ष ने एक व्यवस्था करते हुए कहा कि जो विधायक प्रश्न लगा रहे हैं उनको उसके बारे में पूरक प्रश्न पूछने के अधिकार हैं, अन्य सदस्य उसमें प्रश्न ना पूछें, और अगर इस पर भी राजी नहीं है तो विधानसभा के जो नेता हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं सप्लीमेंट्री। तो मुझे इसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये
जो प्रश्न अभी पूछे जाने थे, जिनके उत्तर आने थे, अब इस सत्र में आ पाएंगे। वो इसलिए नहीं आ पाएंगे कि आगे से आगे प्रश्न लगे रहते हैं। प्रश्न बड़े गंभीर किस्म के थे, जैसे किसानों के ऋण माफी के संबंध में प्रश्न था, आंगनबाड़ियों में भवन की, शौचालय की, पानी बिजली की व्यवस्था के बारे में प्रश्न था, इसी तरह से मुकंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों के संरक्षण के बारे में प्रश्न था, जो आवारा पशु घूमते हैं उनके संरक्षण के बारे में प्रश्न था, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो विधानसभाओं से भी जुड़े हुए प्रश्न थे। मांडलगढ़ के बीजेपी विधायक गोपाल लाल शर्मा जी का प्रश्न था कि बनास नदी में जो अवैध बजरी का खनन हो रहा है, जिसके चलते बजरी माफिया पूरे प्रदेश पर हावी है, उससे संबंधित उससे निजात कैसे मिलेगी, ये प्रश्न था। तो अगर इन प्रश्नों के जवाब आ जाते तो प्रदेश की जनता को, जन जन को इससे बहुत फायदा होता। अब सवाल है विपक्ष ने किस तरह की भूमिका निभाई है, ये सबके सामने। विपक्ष सदन को नहीं चलने देना चाहता है या विरोध जताता है, ये सब राजनीतिक पहलू हैं जिसके बारे में राजनेता ज्यादा जानते हैं, क्योंकि मैंने प्रत्येक विधानसभा के अंदर बरसों से ये देखा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष छोटी छोटी सी बातों पर मूंछ की लड़ाई बना लेते हैं, कई कई दिन तक विधानसभा सत्र को चलने नहीं देते, उलझा के रखते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपया इसमें जनता का, गाढ़े कमाई का खर्च हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। इसका रास्ता निकालना पड़ेगा, और जैसा अभी मानचंद जी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का आदेश सर्वोपरि होता है, उसके ऊपर कोई सुप्रीम पावर नहीं है, अगर उन्होंने व्यवस्था दी है तो उनका मंतव्य तो यही था कि विधानसभा सुचारू रूप से चले, प्रश्न का पूरा जवाब मिल सके, उत्तर मिल सके, उसके पूरक प्रश्न का भी विधायक को पूरी संतुष्टि हो सके जिसने प्रश्न लगाया है। अन्यथा जो प्रैक्टिस चली आ रही है कि चार चार विधायक खड़े होकर उसी प्रश्न को और उलझाते चले जाते हैं, एक के बाद एक पूरक प्रश्न पूछते चले जाते हैं, जिनके जवाब एक दो घंटे के या एक घंटे के कार्यकाल में आना बड़ा असंभव सा हो जाता है। तो आधे घंटे चली प्रश्नकाल का समय, जिसमें कि कांग्रेस के 9 विधायकों के प्रश्न लगे और उनको पूछे भी गए और जवाब भी आया, लेकिन 15 विधायकों में से अगर एक विधायक भी प्रश्न पूछ लेता विपक्ष का, तो शायद एक विधानसभा को या प्रदेश को इसका लाभ मिल जाता। बिल्कुल। लेकिन देखा गया कि सफेद पट्टी बांध दी, ना पक्ष की लॉबी में बैठ गए जैन मुनियों की तरह, और इससे क्या दर्शाया है जनता में, मैसेज क्या गया है? मैसेज ये गया है जनता में कि विधानसभा को केवल और केवल विचलित करने के लिए, विधानसभा का समय खराब करने के लिए, अपने आप को सुप्रीमो साबित करने के लिए जिस तरह से विपक्ष काम कर रहा है, जिस मामले में उसको सड़कों पर वो काम करना चाहिए, अब वो विधानसभा में उस तरह का काम कर रहा है, ये न्यायोचित तो नहीं है, जनता के हित में तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी, जैसा कि आपने बात ही कही है, और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है विधानसभा के दौरान, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्नकाल जब होते हैं, हम लगातार हंगामा बरपते देख पा रहे हैं। उपेंद्र जी के पास आती हूं। उपेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से ये प्रदर्शन किया गया है, अनूठा प्रदर्शन, अगर यही अनूठा जो तरीका है इसको प्रश्नों के दौरान लगा दिया जाता है, यानी कि बीजेपी नेता अपने प्रश्नों में बातें रखते, अपनी बातें रखते, तो क्या कार्रवाई ठीक से नहीं चल सकती थी? क्या प्रश्नकाल ठीक से चल जाता और जवाब भी आते? और जैसा कि अभी अशोक जी ने भी यही बात की है कि जनता के हित की वाकई में तब बात होती। अंजलि जी, आज की जो घटना है वो एक प्रकार से लोकतंत्र का मजाक था, और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि चाहे वो कौन सी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दूध की डिलीवरी कोई नहीं है। जब भी ये विपक्ष में होता है तो इस प्रकार की घटनाएं होना इतिहास के अंदर बहुत बार देखने को मिला है, लेकिन चूंकि वर्तमान में या राजस्थान के अंदर कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी विपक्ष में है, और एक मजबूत विपक्ष के रूप में यहां पर उपस्थित होकर के जो घटना उन्होंने आज दर्शाई, जैन धर्म अपनाकर
ये राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। 24 में से 15 प्रश्न यानी लगभग आधा राजस्थान कवर हो रहा था, राजस्थान की जनता के उस विश्वास को उन्होंने तोड़ा है। हजारों लाखों रुपए लगकर संसद सदन चलता है और उस सदन के अंदर इस प्रकार की घटना जो कई बार सड़कों पर लोगों द्वारा की जाती है, हड़ताल एक तरह की हड़ताल है, चाहे इसको लोकतंत्र का मजाक कहे, लोकतंत्र के खिलाफ हड़ताल कहे, ये उन नेताओं को शोभा नहीं देती। ये किस मुंह से जाकर के जनता के बीच में बड़ी इन सब घटनाओं को दरकिनार करके इनको थोड़ा बहुत भी इनके मन में नहीं आता कि हम कैसे जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसी घटनाओं को देखकर यह लगता है कि वास्तव में हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्यों और क्यों यहां पर बात उभर के आ रही है, जैसा भी आपने भी कहा, वर्चस्व और अपनी अहमियत दिखाने का मुद्दा बन चुका है सदन। सदन के अंदर विपक्ष अपने आप को सुपर साबित करना चाहता है। सरकार के विभिन्न कार्यों के अंदर जो बहस के माध्यम से होने वाले हैं, उनको अगर रिजल्ट आएगा भविष्य में, उनके खिलाफ इस प्रकार के प्रदर्शन करके ये सरकार को फेल करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्तर की बात इसको मैं कहूंगा। और देश के राजस्थान की जनता ये सब देख रही है। सुबह ये होने के बाद में कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो बड़े गंभीर दिखे कई लोगों के विचार कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बजट का सत्र जो होता है वो सबसे लंबा सत्र होता है और इसके ऊपर पूरे साल भर की तस्वीर तैयार की जाती है और उस तस्वीर में जो इस प्रकार के धब्बे जो बन रहे हैं, ये साल भर लोगों के जेल में कौन तो रहेंगे अंजलि जी? बिल्कुल, एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कार्रवाई का कि हंगामा ना बरपा हो। सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष की ओर से हंगामा ना किया गया हो, लगातार देख रहे हैं हम, लगातार विरोध जारी है, कहीं हंगामा किया जा रहा है। तो आखिर जो जनता का पैसा लगा होता है विधानसभा सत्र के दौरान, उसका आखिर जिम्मेदार कौन है जो बर्बादी हो रही है? ये गैर जिम्मेदार हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इनको पता है यदि सदन ढंग से चलता है तो ये विपक्ष की ये मान रहे कि सदन का ढंग से चलना विपक्ष का नाकामी है, जबकि होना ही राजनीति आदर्श राजनीति क्या है? सदन चले, ढंग से चले और सरकार को सावचेत किया जाए, ये विपक्ष की भूमिका होती है। गलत कामों के प्रति उनको चेताया जाए और अच्छे कामों को उनको अवगत कराया जाए। वो नहीं करके ये उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, अच्छे कामों में बाधा डाल रहे हैं, गलत बात की तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा और अनावश्यक मुद्दे जिनका वास्तव में देखा जाए तो देश स्टेट के विकास से आदर समाज के निर्माण से कोई लेना देना नहीं है। कुछ क्वेश्चन तो मुझे मैंने देखे, ठीक है मैं उनको बोलूंगा तो बेकार में याद का मुद्दा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बेतुके क्वेश्चन कुछ बार तो मैंने देखे कि क्या लेना है विधायकों का, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सदन के अंदर और सत्ता पक्ष को मजबूर होकर के उनका जवाब देना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है ये, कहां मतलब नैतिकता कहां से लग रही है बेचारे। अब मैं बहुत से ऐसे मुद्दे बताऊं जिनको पूछा जाना चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बेटू के क्वेश्चनों पर ये लोग अपना समय जाया कर रहे हैं और आज वॉकआउट करके ये पता नहीं क्या संदेश देना चाहते हैं राजस्थान की जनता को। उपेंद्र जी वापस, फिलहाल यहां पर थोड़ा सा वक्त लेंगे, रुकते यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। तो हम बात कर रहे थे जिस तरह से विधानसभा सत्र बिल्कुल हंगामेदार चल रहा है, तमाम कोशिशें इससे पहले की गई कि हंगामेदार ना रहे विधानसभा सत्र, तमाम बैठकें हुई, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन तस्वीरें वही आखिर में हमारे सामने आ रही हैं। तो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा कर रहे थे, वापस आते हैं अपने मेहमानों के पास, अशोक जी के पास वापस आते हैं। अशोक जी, अशोक सिंह शेखावत जी, अब आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? आपके सामने और भी तीन मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी, अपना अपना मत रखा, आपने भी सभी को सुना होगा, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? क्या अपने आप को आप जिम्मेदार ठहराएंगे इस पूरे मामले में? देखो अंजलि जी, जहाज पूरा का एक ही विधानसभा का एक विधायक के द्वारा कोई क्वेश्चन लगाया गया और उसका उत्तर आया, उत्तर आने के बाद में सदन के जो सीपी जोशी जी अध्यक्ष जी हैं उन्होंने भी दो प्रति पूरक क्वेश्चन पूछ लिए
और उसका आंसर आया, मतलब आप तो प्रश्न पूछ सकते हैं पूरे क्वेश्चन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, बाकी विधायकों के लिए आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो ये कैसे व्यवस्था है। और जहां उपेंद्र जी ने बात कही है, उपेंद्र जी ने जैसा कह दिया कि जैसे सत्ता के अंदर भारतीय जनता पार्टी हो और कांग्रेस है जो विपक्ष के अंदर बैठी हो, क्या ऐसा क्या बताना चाहते हैं? राजस्थान में क्या हालत है आप देखने, आप किस प्रकार से आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है राजस्थान के अंदर। अपराध का ग्राफ 36% के लगभग पहुंच चुका है, महिलाओं के प्रति 47 हो चुका है, जो इन्होंने वादे किए कर्ज माफी के और जितने किए हैं वो सब कुछ खत्म है, और जो वैकेंसियां बिजली स्थान निकली है उन वैकेंसियों को कह रहे 75,000 हमने निकाली है, तो ये क्या ऐसा प्रशासन है? आज का डिबेट का जो विषय था मैं उसके बारे में कह रहा हूं। तो यदि आप देखिए कि यदि सदन का सभापति यदि क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसके लिए तो लागू है, क्योंकि मैं सभापति हूँ और बाकी विधायकों के लिए नहीं है, और ये परंपरा आज से नहीं कई सालों से चली आ रही है। ये बताया मनोहर जी जब उसके अंदर अध्यक्ष थे तो उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट का जो सुनता है विधायक वो इसका पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये बंदा कर रहा है कि आज जो कुछ भाग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, आज जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? वहां पर सबसे बड़ी जो खामी हमने देखी, जो गलती देखी, आप उसे स्वीकार कर रहे हैं। की व्यवस्था का है अध्यक्ष जन व्यवस्था है, जो बातचीत कर रहे हैं आप अर्जुन तुभी भी कर रहे हो, आप यदि कुछ शादी करना चाहते हो तुम भी रूप से, तो ये सही है सत्ता पर अशोक सिंह जी मेरी बात सुन लीजिए, नियम से चलेगा आंदोलन जी, नियम से चलेगा, नियम से स्पीकर सदन को चलाएंगे, स्पीकर सदन को चलाएंगे, सदन को चलाएंगे, लेकिन परंपरा कर रहे हैं हम दिन का व्यवस्था कर रहे हैं, बोलो हमारा अधिकार है उसको मरने में नहीं गया, विधायक मरने में नहीं अपने अधिकार के बारे में, क्या विधायक क्या जाकर के सभापति तो कुछ नहीं करेगा, सभापति होगा सर्वोपरि होगा, मान तो होगा लेकिन नियमों से वो भी बंदे होंगे, ये नहीं कि आप विपक्ष को प्रश्न कर के अंदर आप कहते कि साहब आप उसी साहब एक विधायक बोलेंगे क्या संकट आता है। शेखावत जी जो मूल प्रश्न है जो महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा होना पहले ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है सदन की कार्यवाही के दौरान ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं बनता है कार्यवाही के दौरान, लेकिन होता है और लेकिन आप जिम्मेदारी ये अपने हमने तो किया है, लेकिन व्यवस्था नहीं करेंगे तो क्या हमारे पास अधिकार, हमारे विधायक के पास विपक्ष के पास क्या अधिकार है अधिकार मांगे, आप एक मेरी बात का जवाब दीजिए, आपने 15 सवाल लगाए थे, कितने सवाल किए आपने? आप अंजलि जी क्या तो आप प्रश्न पूछते जाइए, मैं उसका उत्तर देता चाहूंगा, लेकिन आप क्या व्यवस्था के बारे में पूछ रहे, आप ये बताइए प्रश्न कार अलग है सुनिए कार अलग है, उसमें अंतर में देखिए आप प्रश्नकाल के अंदर प्रश्न एक घंटे का होता है जिसके बाद में सुनिए अंतर सारा उत्तर आ रहा है, हम यहाँ पर जाकर नहीं समझ आप कह रहे थे क्या हम यहाँ आपको नहीं समझ आया आप प्रश्नकाल क्या होता है शून्यकाल क्या होता है आप उसका तो अंतर देखिए, एक घंटे की व्यवस्था में आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने पूरा हंगामा कर दिया, हमारा अधिकार है हमारे अधिकारों ने हमने पेट्रोल किया करना चाहिए क्यों नहीं करेंगे, जनता ने हमें चुना है, या तो आप अपने अधिकारों की बात कर लीजिए या तो जनता के अधिकारों की बात कर लीजिए, जनता के अधिकार है अधिकार एक ही की बात हो पाएगी, या तो जनता के अधिकारों की बात हो पाएगी या तो नहीं मिल रहा है, मैं सोच रहा है कि उनके आंसर दे रहे हैं क्या, आप जाकर सारी कुछ चेक कीजिए जाकर के, आज तक कई क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे हैं उनके, सिर्फ एक जो हफ्ते हैं एक घंटे के चलते उनके आंसर आ रहे हैं जो प्रश्न जान के, बाकी के प्रश्नों के उत्तर नहीं आ रहे हैं, बकायदा सारे सारे जा रहे हैं कुछ भी नहीं है, और उनके उत्तर आ रहे हैं जो क्या किस प्रकार से आ रहे हैं वो आपकी व्यवस्था खराब आपकी अलग से डिमांड कहीं ना कहीं सहमत यहाँ पर हूँ, क्योंकि सवाल जब पल जब पूछे गए विपक्ष की तरफ से तो सत्ता पक्ष की तरफ से कई कई सवालों पर जवाब ठीक तरह से नहीं मिला, ये भी हमने देखा, लेकिन हम तब भी अगर सही मानते अगर आप आज भी
प्रश्न उठाते, जिस तरह से आपने सवाल लगाए थे उनमें से आप सभी प्रश्न उठाते, लेकिन आपने बहिष्कार कर दिया, एक भी सवाल नहीं लिया। यहां पर आप बिल्कुल गलत हैं। देखो अंजलि, आपने एक प्रश्न पूछा, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार चार दिन का हमने समय दिया। हमारा जो विधायक जो प्रश्न पूछ रहा था वो ही सदन के अंदर जा रहा था, हमने चार दिन का, और आज व्यवस्था के अंदर फिर भी कंटिन्यू हमारा पूरक प्रश्न करने का, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि का अधिकार होता है जनता के थ्रू, उसको यदि पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, एक एजेंसी विधानसभा है उससे संबंधित कोई विधानसभा क्वेश्चन पूछ ले उस विभाग का, तो उसमें क्या बुरा हो जाएगा? लेकिन सरकार उसका जवाब नहीं दे पाए सरकार से और चलता रहा है, इसलिए व्यवस्था जब ये व्यवस्था कैलाश मेघवाल जी से पहले भी जो है उन्होंने ये व्यवस्था की हुई है पूरक प्रश्न की, जो पूछ सकते हैं उन्होंने सिर्फ विधायक तक सीमित कर दिया, दूसरा विधायक पूछ नहीं सकते और खुद स्वयं पूछ रहे हैं। ये स्वयं क्यों पूछ रहे हैं आपके ऊपर, मतलब खुद तो आप तो अध्यक्ष हो, आप तो पूछ सकते हो, बाकी नहीं पूछ सकते? ये क्या है कि ये तो मेरे क्षेत्र से संबंधित विधानसभा का आ रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया, ये क्यों बात थोड़ी होती है? और हम यदि विपक्ष इसका करता है तो आप कहते हैं कि नहीं ये परंपरा नहीं थी, ये परंपरा तो गलत है, हम तो इस हिसाब से करेंगे कि सदन की व्यवस्था चलेगी, ये अलग दो दोहरी नीति कैसे चल सकती है? देखिए दोहरी नीति की बात फिलहाल यहां नहीं आती है, मैं यहां पर दोहरी नीति नहीं, आप भी यदि देखेंगे ना, आप यदि आपका देखेंगे विचार था वो उनको सदन कैसे चलाना था, वो उनका अपना विचार था, वो उनका निजी विचार था, यदि मुख्यमंत्री भी होगा तो नियम से चलाओ, आप नहीं कह सकते मुख्यमंत्री चाहे जो कर सकता है, जो कर सकता है, मैंने ये तो कहा नहीं, लेकिन ये परंपरा थी ना शेखावत जी, मैंने तो कहा जो नीति की परंपरा ये नहीं, कई सालों से परंपरा चलती आ रही है, नहीं है पूरे क्वेश्चन वाली विधायक पूछ सकते हैं ना, तो खुद ने क्यों पूछा? कहते मैं तो हूं अध्यक्ष, मुझसे पूछ सकता हूं, विधायक नहीं बोल सकते, तो आज क्वेश्चन पूछा बच्चे कभी अपनी स्वीकार नहीं करता जल्दी, और यही बात हम आपके मामले में भी देख पा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये दोहरी दोहराई भी अपनी खामी जल्दी नहीं सरकार सहयोग कर रही है कि उनको बात कर रहे थे जनता का ही, तो आप कितना सोच लेते हैं, कितना देख लेते हैं, ये हम लगातार देख रहे हैं, कोई भी अपनी गलती नहीं स्वीकार करता है। मानचंद जी, अशोक जी को आपने सुना और इनका ये कुछ कहना है कि माफ कीजिएगा, अध्यक्ष ने जो भी फैसला लिया वो उनकी नजर में गलत है, और जब हम इनसे सवाल करते हैं कि 15 सवालों में से एक भी सवाल आपने क्यों नहीं लिया, इस पर भी इनको अपनी गलती माननी नहीं है, यहां पर भी अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं। देखिए लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जनता के प्रश्नों को आप उठाएं, और अगर जनता के प्रश्नों को किसी भी कारण से अगर आप नहीं उठाते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर जनता विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वास जनता करेगी भी नहीं, एक बात तो ये कह रहा हूं। अब देखिए बहुत ही गंभीर प्रश्न है, मैं आपको दो तीन बातें बता रहा हूं। अमेरिका में जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो लाइफ लॉन्ग होता है, जब तक जिंदा रहेगा तब तक रहेगा, एक बार अगर उसको मनोनीत कर दिया या निर्वाचित कर दिया जैसा कुछ है, अब इसका मतलब अब उसके बाद में जो कुछ वो कार्य करता है ना, वो निश्चित रूप से निडर होकर केवल जनता के हित के लिए या कानून के हित के लिए संविधान के हित के लिए काम करता है, एक बात। दूसरी बात, अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो ये कहा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो किसी पार्टी का नहीं है, और मैं ये समझ रहा हूं अगर वो किसी पार्टी का नहीं हो, यानी एक बार जो विधानसभा अध्यक्ष बन गया वो पॉलिटिक्स से दूर हो जाए, जब मैं समझता हूं इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। समस्या वास्तव में दो तीन बातें आपको बता रहा हूं, समस्या क्या है कि पता नहीं सीपी जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाए, पता नहीं अशोक गहलोत रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अब ये पता नहीं उन्हें इन्वॉल्व है सीपी जोशी, और इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके पास में पार्टी से संबद्धता संलग्नता या उनका जो प्रेम है वो अपने आप है, इसलिए वो बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा निर्णय नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात जो मैंने माइनोरिटी देखा है कि इसमें यह प्रोविजन रखा अध्यक्ष ने कि विपक्ष का जो नेता है वो तो प्रतिप्रश्न पूछ सकता है और उपनेता नहीं पूछ सकता, और ये वास्तव में मैं समझ रहा हूं कि नेता और उपनेता की लड़ाई ज्यादा है, यानी सवाल ही आ रहा है। अब देखिए मैं क्यों कहा था, मैं आपको बता रहा हूं, आपने क्या कहा, मैंने नहीं कहा, क्योंकि पहले दौर में मैंने इस बात को उठाया नहीं, उन्होंने ये कहा है कठारा जी है जैन है, मैं भी जैन हूं, और उन्होंने कहा सर जिसको आप कह रहे कपड़ा लगा के वो कहलाती है नृपत्ति, और कठारा जी को इतना पता नहीं है कि नृपत्ति लगाने के बाद में 48 मिनट तक आप कुछ नहीं कर सकते, केवल जरा ध्यान कर सकते, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, और आप क्या कर रहे हैं टीवी देख रहे हैं, और उसके बाद में जब सवाल आ रहा है वैराग्य हो गया ना आपको, विधानसभा से वैराग्य हो गया, हम बाइकाट कर रहे हैं, तो फिर आप उसे राग क्यों कर रहे हो, यार आप जेएनयू होकर भी विराग को और वैराग्य को नहीं समझ रहे हो,
यार ये ढोंग है बिल्कुल, ये प्रपंच है, ये दिखावा है। और सारी बातें क्या है, जनता की सेवा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अच्छा अब सवाल है ऐसा होता क्यों, जो ये कह रहा अशोक जी कि साहब होता आया है, अब वो होता आया की बात कर रहा हूं मैं। जब भी प्रति प्रश्न पूछे जाते हैं तो गंभीर किस्म के नहीं होते हैं, जिनके पास सूचना नहीं होती है और वास्तव में जो जनता के नजदीक नहीं जाते वो हल्ला करते हैं और केवल मीडिया में आना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हमने ये, जबकि वो गंभीर नहीं होते। और गंभीर अगर कोई व्यक्ति है आपकी पार्टी का है, प्रतिप्रश्न की बात हुई, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं, प्रतिपक्ष की बात कर रहा हूं, प्रतिपक्ष वाला और प्रतिपक्ष का नेतृत्व अधिकार है। तो सारा हम तो पार्टी जो सत्ता में है उसे निकाल के लाना चाह रहे हैं ना, जिस प्रकार अशोक जी ने कहा इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे है नहीं, तो उन बातों को अगर लेके आए उजागर करेंगे या आप कहना चाहिए एक्सपोज करेंगे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या आप ढोंग करेंगे या आपने मुफ्ती लगा ली किस चीज के लिए कर दीजिए। सर मैं ये बोल रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया सर कि वो जो रिजिड है वो ज्यादा रिजिड है, खुद को पूछना। आप सुनिए सुनिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूं जो आप ये टेक्निकल बात जो कह रहे हैं अशोक जी, ये बिल्कुल सही बात है कि भाई अध्यक्ष से पूछ सकता है, अध्यक्ष तो पूछ ही नहीं सकता, उसको तो वैराग्य हो गया, वो तो है ही नहीं किसी पार्टी का। अब अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं साहब मेरे क्षेत्र की तरह पूछूंगे तो पूछने के तरीके भी अलग होते हैं, और आप तो अध्यक्ष हैं, आप तो कान में जाके आप पूछेंगे या वैसे अगर पूछेंगे तो किसके मतों को काम नहीं होगा। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, देखिए प्रवृत्ति मनोवृत्ति और आपका सिद्धांत मर्यादा ये परंपरा जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कन्वेंशन के ऊपर जा रहा आप ध्यान नहीं दे रहे और केवल जो जनता है उसको सम्मोहित करने के लिए या जो है उद्वेलित करने के लिए या अपनी बात को बताने के लिए बिना मुद्दे के इसके लिए सारी समस्याएं हैं और ये समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हाँ इतनी रिजिडिटी जीवन में नहीं चलती है और ये भी जीवन का पार्ट है। इसलिए न तो प्रतिपक्ष को रिजिड होना चाहिए और न जो विधानसभा अध्यक्ष को होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन होता है विधानसभा में, मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री का भी महत्वपूर्ण रोल है यहां पर। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुख्यमंत्री भी उसके लिए दाई है, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक एंगल और बता रहा हूं आपको मैं, अगर यहां पे वसुंधरा जी होती तो क्या होता, तो बात दूसरी होती, बिल्कुल दूसरी होती। यहां पे जो इंटर कंफ्लिक्ट है ना बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी, उसके कारण ये सारा सारा वातावरण वास्तव में जो है ना अलोकतांत्रिक तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ अवांछनीय हो रहा है, जो वांछित नहीं है जनता के द्वारा, और ये नहीं होना चाहिए और जनता के प्रश्नों को पूछा जाना चाहिए। अशोक भटनागर जी, इसे ये जो हंगामा हो रहा है लगातार, क्या इसे अपरिपक्वता मान सकते हैं इन नेताओं की, इन विधायकों की, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हम दोनों को ही यहाँ पर देखकर चल रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, डिबेट में दो अशोक थे, भ्रम मिटाया आपने। अब सवाल है जो आपका, मैंने शेखावत जी को बहुत गंभीरता से सुना, मानचंद जी को भी सुना, उपेंद्र जी को भी सुना। शेखावत जी एक बात पे बहुत जोर दे रहे हैं कि परंपरा रही है, अन्य विधायक भी पूछते हैं विधानसभा के नियम क्या है चलने, क्या नियमों में इसका प्रावधान है तो नियम संख्या बता दें मुझे। दूसरी बात, पिछली बार गत सरकार में 4000 से ज्यादा प्रश्न ऐसे रह गए थे जो लगे तो थे लेकिन जवाब नहीं आए। राजनीति राजनीति राजनीति, इस पूरे खेल में राजनीति है, उसको स्क्रैप करना पड़ा था फिर और कुछ नहीं, स्क्रैप करना पड़ा तो मानचंद जी उसके जवाब नहीं आए, जनता का हित के प्रश्न थे और कल भी और आज भी जो हुआ 15 के 15 प्रश्न वो जनता से जुड़े प्रश्न थे, अगर उनके जवाब अगर आ जाते तो जनता का भला होता। विधायक चुनके क्यों जाते हैं विधानसभा में, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए, जनता की भलाई के लिए। शेखावत जी अगर जवाब आते तो भलाई होती, भलाई होती या नहीं शुरू करो, लेकिन पूरे क्वेश्चन का क्या होगा मुझे बताकर दीजिए। ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूछ सकता है, मैं ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, ज्ञान की बात नहीं करता हूँ, मैं सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, सरकार से मेरा भी अधिकार है।
आपका नाटक का पर्दाफाश करें, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष का, यह हमारा दायित्व बनता है। और उस दायित्व की ऐसे समय कह रहा हूं कि विधानसभा के समय को चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो या विपक्ष के विधायक हो, बेकार में समय जाया ना करें। एक प्रश्न आया, बड़ी गंभीरता थी उसकी, किसानों के ऋण माफी को लेकर, जिसके लिए आप इतने समय से हल्ला मचाते आ रहे हैं कि सरकार ने वादा किया था 10 दिन में। अरे जवाब तो आने देते, प्रश्न पूछते ना, आगे उसको भी जवाब बता, प्रश्न तो पूछते ना, आपका जवाब आया। अरे प्रश्न आज लगाया आपका विधायक का, उससे पहले लगाए क्वेश्चन, प्रश्न आज लगाया है सतीश जी पुनिया, अगर प्रश्न कहा तो अंदर क्या उत्तर आया सतीश पुनिया जी ने जो प्रश्न लगाया है, मैं अपना विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान की रोड मार्ग बचे सुचारू चल रही है या नहीं चल रही है, उसका प्रश्न लगाया है। तो आप ने सोचो कि आप नहीं चाहते जवाब आए, आप एक तरफ विधानसभा नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूँ, एक तरफा नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ दिए कौन से किसान की कर्जा है। दूसरी बात अंजाई सड़क पर चर्चा कर रही है, अभी आप विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा ज्ञान की नहीं कर रहे हैं, यह तो हमें बेकार की बातें कर रहे हैं। सीपी जोशी ने मतलब जो है झूठ है, बातें सही है, तो सीपी जोशी वो सही था, सीपी जोशी का मैं बात कर लू आपसे। अंजलि जी थोड़ा अगर मुझे पहले दिया जाए तो आगे जी बात तो सुन ले, थोड़ा बहुत अच्छी बात कर रही हैं। देखिए दिल का मरीज ज्यादा मत चिलवाइए, सीपी जोशी का एटीट्यूड क्या है, जिस दिन से विधानसभा का गठन हुआ उन्होंने पहली बार ये कह दिया नियमों से चलाऊंगा। अब नियम विधानसभा के जो हैं, अगर उससे विधानसभा चलेगी तो परंपराएं टूटेंगी। जो पहली परंपरा रही है, चाहे कैलाश मेघवाल जी के समय में रही हो या उससे पूर्व रही हो या हरदेव जोशी जी के टाइम रही हो, सुखाड़िया जी के टाइम में रही हो, 1952 से लेकर आज तक जो परंपराएं रही है इस देश में और इस प्रदेश में विधानसभाओं में, उन परंपराओं में से बहुत सी परंपराओं को कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा जनता के हित के लिए, समय बचाने के लिए। लेकिन सीपी जोशी जी ने आसन पर रहते हुए किसी विधायक से, पक्ष का या विपक्ष का, अगर सवाल पूछा तो यह सिद्ध हो गया कि उन पर एक छाप है, वो पार्टी विशेष के नुमाइंदे बन के ही बैठे जो उनको नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको न्यूट्रल होके विधानसभा को चलाना चाहिए। देखिए रिजिडिटी की बात गई, जैसे कि मानचंद जी ने भी आकर जिक्र किया, जिक्र किया आपने ये लास्ट में आकर, नहीं मैं सही कहता हूँ, लेकिन दूसरी बात जी, दोनों पहलू पर ही हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों पहलू हमने देखे। हमने आज ये शुरुआत में ही जिक्र किया था कि उनका जो फैसला है वो तो था ही, आपको यहाँ पर अपनी निभानी चाहिए थी। शेखावत जी ने एक बार बात उठाई थी कि पत्रकारों के प्रवेश के मामले को लेकर सीपी जोशी जी ने बड़े रिजिट होकर कहा कि वो केवल पत्रकार दीर्घा में जाएंगे, चुने हुए पत्रकार जाएंगे, किसी मंत्री के चैम्बर में भी नहीं जाए कोई सवाल करने, तो एक मोहर लगा दी थी कार्ड पे। बड़ा आंदोलन हुआ, पत्रकारों ने भी, प्रदेश भर के पत्रकारों ने विरोध किया भाजपा अब, लेकिन विरोध कहां किया, खबरें तो निकालनी थी, विधानसभा में गए, खबरें निकाली है, कवरेज करी है, बाइक लिए, सब कुछ किया है, लेकिन आंदोलन के सड़कों पे। अगर आपको लगता है कि यह विधानसभा अध्यक्ष आपको आपके अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप विपक्ष में सत्ता पे है, नहीं है, आप सड़कों पर आंदोलन करिए ना इस बात के खिलाफ। आप जनता के गाये कमाई के पैसे को व्यर्थ क्यों होने दे रहे हैं विधानसभा के सदन का समय खराब करके। भटनागर जी ये बता दीजिए, पूरक प्रश्न पूछा जाएगा, आप कह रहे हैं पर्ची के माध्यम से होगा, पर्ची के माध्यम से पर्ची आएगा, फिर क्या होगा, नियम में प्रश्नकाल का उत्तर है। अंजलि जी, अंजलि जी, पहले तो मैं शेखावत जी को यह कहना चाहूंगा
ये अपने आंकड़ों में करेक्शन कर ले, ये बोल रहे हैं कि 75,000 भर्ती पिछली सरकार निकाली थी। मैं आपको बता दूं पटवार की भर्ती 2,000 का प्रस्ताव दिया था और उसे सरकार ने बढ़ा करके 3,885 किया है। 1,800 कर दी ना, अब तो बढ़ा रहे सर, आप तो बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं, आपने जो मैंने आपकी बात का जवाब दिया फिर आपने कहा 2013 में एलडीसी की भर्ती हुई थी जिसका 5 साल तक आपने वेट किया। चलिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है आज जो वॉकआउट किया आप, आज नहीं क्या 2 दिन से चल रहा है भाई, आज तो बहुत ज्यादा बढ़ा है, आज तो उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था। नहीं नहीं वैराग्य नहीं, कटारिया जी ने अपने धर्म की अच्छी करी है, मैं सब बोल रहा हूँ वो कटारिया जी ने क्यों होता है, लेकिन जिस प्रकार की घटना अब बात आ रही है, शेखाव जी एक मिनट, शेखाव जी शेखाव जी एक विरोध करने का तरीका, शेखाव जी उस विरोध करने के तरीके शेखाव जी लगता नहीं कि आप कह रहे हैं, शेखाव जी शेखाव जी आप पट्टी बंद, शेखाव जी आप विरोध करेंगे, आप सुनिए मुंह पर पट्टी बांध देगा कोई किसी है, लोग कई लोग देख रहे हैं, धर्म में तो साफ ये राजनीति है, धर्म का कोई शेखाव जी हम कह रहे हो देश ही बर्बाद हो, आप कह रहे हो कि अध्यक्ष ने परंपरा बदल दी, अरे परंपरा में यदि कुछ पीछे गलत हो रहा है तो उसको बदलना गलत है क्या, तो पूरा प्रश्न कहां से आएगा, अरे ध्यानाकर्षण में सोचिए, ध्यानाकर्षण से सोचिए नहीं आएगा ना, तो अभी भी आ जाएगा, अरे अगले दिन से आ जाएगा, फिर क्या मतलब समझा, ठीक है ना, पूरे प्रश्न का क्या मतलब हुआ, लेकिन सरकार के अंदर फिर आपने 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 पर आना चाहूंगा, उसके आना चाहिए तो उस दिन मुझे पूरे प्रश्न का मतलब क्या, आधी मिनट कहना चाह रहा हूँ, मैं रेलिवेंट बात बता रहा हूँ, देखिए आदरणीय अशोक जी शेखर साहब नियमों से मालूम चलना चाहिए, अध्यक्ष को बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन आपको भी तो नियम के अनुसार ही चलना चाहिए ना, अध्यक्ष को हटाने के लिए, इनके लिए नियम नहीं है, नियम क्या है फिर वो, अध्यक्ष को हटाने नियम बना दिया, पट्टी बांधना नियम नहीं है, बहिष्कार करना नियम नहीं है, हमारा और जो नियम है आपको सर आदर आपके रिमूवल की कार्रवाई होगी, वो सारी चीजें अलग चीज है, आज व्यवस्था है हमारे पूरक प्रश्न पूछने की, यदि कांग्रेस पार्टी यदि गलत बात, क्या गलत बात, बिल्कुल गलत बात है, आपने अपने प्रश्न पूछते, आपने अपने 15 प्रश्न पूछते, जनता के साथ न्याय करते तो निश्चित रूप से हम पूरा निश्चित रूप से पूरा नहीं पूछ रहे, आपको कैसे पता सत्र में आ गया, मुझे तो बताना नियम का, तो हम पिछाने वाले क्या आ जाइए, शेखावत जी विधानसभा सत्र में कार्रवाई कब ठीक से चलेगी, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न कब ठीक से पूछे जाएंगे, हंगामा ये जो पूरा चल रहा है, ये जो ड्रामा हम देख पा रहे हैं, सत्ता सदन के अंदर हम तो बाहर जा रहे हैं, जनता हम पसंद कांग्रेस पार्टी तो ये फायदा है, आप भाग नहीं सकते, पूछ गया पूरा प्रश्न कि पूरक प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें सरकार को नेता पूछे, क्या दिक्कत आ रही है मेरे, आप भाग रहे हो, पर विधायक तो पूछेगा ना, आप भाग रहे हो, मैंने मान लीजिए जयपुर के चौमूर के क्षेत्र का किसी विधायक ने क्वेश्चन पूछा और उसी के पास में सावपुरा वाला विधानसभा का क्वेश्चन पूछ ले, उसी से संबंधित है, विधानसभा प्रदर्शन
मेरी बात सुन लीजिए सर, सारे पूछे गए राजस्थान के विधायक है तो परंपरा चली आ रही है नियम तो उसको जवाब देने के लिए उत्तर आएंगे गई अधिकारी अंदर जाएंगे बिल्कुल नहीं। आज मेरे पर आए तो मैं तो उत्तर दूंगा, उसका क्या दूंगा? आप घर से बोलेंगे तो क्या? आप सुन ही नहीं रहे, उत्तर क्या दोगे? नहीं सुने और आप सदन में भी नहीं सुनते हो। अरे सदन में नहीं सुनते, हम तो बाहर जा रहे हैं, भाग गए हैं, भाग गए भाग गए आप लोग वहां से। आप तो कांग्रेस एजेंट के रूप में कांग्रेस का मेरे गांव का आप लोग अब गलत बात को गलत बात नहीं एक बार क्या है एक आप बोल जा रही तो मैं बोल रही कांग्रेस ने भर्तियां निकाल दी 75,000 वैकेंसियां निकाल दी। आज बताओ उन्होंने क्या किया? ये क्या बात है? आप ये नहीं कह सकते था ये सुन रहा आपने जो कहा उसका उत्तर दिया मैंने तो ऐसे क्या है? कभी आप वॉकआउट कर जाते हैं, कभी आप विरोध प्रदर्शन करते हैं, नेता सफेद पट्टी बांधकर, ये सब क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? हंगामा इतना क्यों है? मंगलवार बुधवार चार दिन दिया हमने समय, चार दिन समय दिया हमने सभापति को कि आप हैं जो हमारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को चलने दीजिए या हमसे साथ मीटिंग कीजिए, लेकिन कहते हैं नहीं आप तो जाइए बाहर, आपको नहीं रहना। तो यही तो बात होगी ना कि आपकी बात नहीं मानी तो आप भाग गए मैदान से। वो खुद मैंने आपसे बात कही कि वर्चस्व की लड़ाई है, ये आपकी वर्चस्व की लड़ाई है या आपकी निजी लड़ाई है? विपक्ष को खींचते हैं, कभी विपक्ष के ऊपर जबरदस्ती टेक देते हैं जैसे सरकार विपक्ष की चल रही हो। आदरणीय उन पर कार्रवाई करिए, हम ये कह रहे हैं नियमों की बात हो रही है, नियम के अनुसार जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन पर क्या कार्रवाई की जा सकती है वो करिए ना। आप भीरू मत बनिए, आप फलानवादी मत बनिए, आप वहां से ना आपके पास मुद्दे। आप देखो एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं, क्या आप प्रश्न पूछने वाला विधायक पूरी तैयारी के साथ नहीं आता कि प्रति प्रश्न वो पूछ रहे? सर बेतुके क्वेश्चन पूछ रहे, बेतुके मैं करो सदन का समय जाएगा जिनका कोई मतलब ही नहीं है, विकास से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हाईलाइट होने के लिए कि और वो फिर बाद में सोशल मीडिया पे डालते हैं। नहीं नहीं उपेंद्र जी देखिए आप ये विधायक का अपना निजी अधिकार है, वो अपने वो किस तरह के प्रश्न नहीं लगा सकते घर का। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए तो देखा हमने हंगामा जो चल रहा था विधानसभा में, वो यहां पर भी हंगामा हमने देखा। फिलहाल कोई भी कमी कोई भी खामी नहीं स्वीकारी जा रही है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की ही कार्यशैली, दोनों की कार्य करने के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष की जो खासकर भूमिका होती है विधानसभा सत्र के दौरान वो भूमिका कहीं भी नजर नहीं आई। स्पीकर का फैसला वो अपना उनका विचार था किस तरह से उनको सदन चलाना था, वहां पर भी देखा जा रहा है कि हम दो पहलू एक ही सिक्के के दो पहलू इस तरह से देख पा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।